नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष की मांग, याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की डिमांड पर तत्काल हो सुनवाई। यूपी उपचुनाव में सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, दो सीटों पर जनता ने नहीं पुलिस ने वोट डाला है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में ढेर किए 10 नक्सली। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अकबर बाबर के समय मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, हमें उसे वापस लेना होगा। जापान और फिलीपींस के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे राजनाथ सिंह। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता तय करे कि फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिमाचल सरकार के 6 CPS को अयोग्य ठहराए जाने पर लगाई रोक। कांग्रेस बैठक में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हटाने पर बवाल, बीजेपी प्रवक्ता ने कसा तंज, कहा जीतों के लिए पार्टी और सिंगार के लिए कुर्सी गई तेल लेने। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को दी हड़ताल की चेतावनी, बोले अनुभव प्रमाण पत्र में शिथिलता दे सरकार वरना शनिवार से करेंगे कार्य बहिष्कार। एमपी में यूपी समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी। अडानी जगन मामले में सख्त एक्शन लेगी आंध्र प्रदेश सरकार, विधानसभा में बोले चंद्रबाबू नायडू। यूएस में गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट की पुष्टि, अमेरिका कोर्ट के आदेश पर किया गया अनसील। सीबीआई ने नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा, केस के निपटारे के लिए मांगे थे 20 लाख से 3 लाख लेते गिरफ्तार। लोकतंत्र में रियल पावर पब्लिक को मिले, हंगरी की पूर्व प्रेसिडेंट सीएम योगी बोले, युद्ध ने 2.5 अरब बच्चों का भविष्य खतरे में डाला। शादी से 15 दिन पहले किया सुसाइड, लखनऊ के होटल में परिवार के इकलौते बेटे ने लगाई फांसी, अंतिम बार गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। महाराष्ट्र में सीएम पद पर खींचतान, अजीत के पोस्टर लगे, मायावती से अगला सीएम बताया एमवीए से पटोले, बोले कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी। अलवर में सोने के कड़े छोड़कर भागे बदमाश, डकैती के बाद डरे बुजुर्ग, बदमाशों ने मुंह में ठूसा था कपड़ा, हाथों में सूजन निशान और खून जमा हुआ। बिग बॉस 18 में बतौर गेस्ट नजर आएंगी हिना खान, कंटेस्टेंट्स को करेंगी मोटिवेट, ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं एक्ट्रेस। शाहरुख खान को ट्रैक कर रहा था धमकी देने वाला आरोपी, परिवार की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लगा था, पुलिस को लगातार कर रहा है गुमराह। पाकिस्तान सरकार नेत्रहीन स्टूडेंट्स को देगी फ्री ब्रेल लिपि स्मार्टफोन, दिव्यांग स्टूडेंट्स को मिलेगी बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल, हर जिले में कैंप लगेंगे। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।